डियर uh, स्टूडेंट्स वैसे तो हमने रिसर्च uh, प्रोसेस uh, की बात कर ली हुई है इन आवर अर्लियर मेड्यूल मगर जब हम एक पर्टिकुलर रिसर्च डिज़ाइन को पढ़ते हैं तो उसमें जो है प्रोसेस ऑफ रिसर्च वो सम्भव थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है तो इस मेड्यूल में हम देखेंगे कि वट आर द स्टेप्स वी टेक इन सर्वे रिसर्च सो इन सर्वे रिसर्च वी एक्चुअली डिफाइंड प्रोसेस ऑफ रिसर्च इन सिक्स स्टेप तो पहले हम देखते हैं कि स्टेप वन में हम क्या करते हैं इन सर्वे रिसर्च वी डिवेलप दाइप फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वी डिस द टाइप ऑफ सर्वे वी आर गोइंग टू करना वो मेल होगा इंटरव्यू होगा या टेलीफोनिक होगा किस तरह का सर्वे होगा उसके ऊपर हमारा एक डिसीजन होता है उसके बाद हम अपने टूल ऑफ डाटा कलेक्शन को जो है वो डेवलप करते हैं उस पर जो है उसको डिज़ाइन करते हैं फिर उसके बाद हम उस टूल ऑफ डाटा कलेक्शन में जो स्केल्स यूज़ किए उसकी रिस्पॉन्स कैटेगरी क्या होगी उसका डिसीजन करते हैं और ओवरऑल एक लेआउट डिज़ाइन करते हैं तो ये सारे जो हम काम करते हैं ये फर्स्ट स्टेप पे करते हैं स्टेप टू में हम जो है प्लान करते हैं कि हाउ टू रिकॉर्ड द डेटा एंड हाउ टू डू द पायलट टेस्टिंग सर्वे रिसर्च डिज़ाइन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जो टूल यूज़ uh, करने जा रहे हैं फील्ड में उसकी पहले पायलट टेस्टिंग हो जाए पायलट टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम जो है स्मॉलर नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स यानी तीस से चालीस लोगों के साथ वो uh, uh, जो टूल है वो शेयर करते हैं एंड वी टू रिस्पॉन्ड ऑन द टूल ये इसलिए किया जाता है कि एक तो उसकी फेस वैलिडिटी चेक हो जाए कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी चेक हो जाए कि वो टूल कितना प्रॉपट है तो स्टेप टू में हम ये पायलट टेस्टिंग करते हैं और प्लान बनाते हैं कि हमने वो डाटा कैसे रिकॉर्ड करना है स्टेप थ्री में हम जो है पॉपुलेशन uh, uh, कौन सी होगी उसका डिसीजन करते हैं और सैम्पलिंग फ्रेम जो है उसको हासिल कर लेते हैं और हम सैम्पल साइज क्या होगा उसका एस्टिमेट कर लेते हैं और हम जो है डेटा कलेक्शन स्टार्ट करते स्टेप फोर में जो कि पर्टिकुलरली डाटा कलेक्शन से रिलेटेड है इसमें हम रिस्पोंडेंट्स uh, को लोकेट करते हैं अपना डेटा कलेक्ट करते हैं इन शेप ऑफ इंटरव्यूज और इन शेप ऑफ सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चनियर एंड देन वी रिकॉर्ड द डेटा कि उसमें uh, जो हमने डेटा लिया है वो uh, उसमें कोई मिसिंग वैल्यूज़ तो नहीं है कोई रॉन्गली एंटर्ड वैल्यू तो नहीं है इनकम्पलीट तो नहीं है आपके सर्वे फॉर्म यानी ऐसा तो नहीं है कि कुछ पे क्वेश्चंस पे जो है रिस्पॉन्डेंट्स ने वो अपना रिस्पांस ना दिया हो तो ये सारा हम इसी फेज के अंदर चेक करते हैं और स्टेप फाइव जो है वो डाटा एंट्री से रिलेटेड है कि वन यू हैव अ डेटा तो आप उसकी डाटा एंट्री स्टार्ट करते हैं और फिर डाटा एंट्री करने के बाद उसको चेक करते हैं कि उसमें कोई रॉन्गली एंटर्ड वैल्यू तो नहीं मिसिंग वैल्यू तो नहीं है उसका क्रॉस कम्पेरिजनजन करते हैं विद द फिज़िकल डाटा और उसके बाद हम करते हैं स्टिस्टिकल एनालिसिस स्टेटिस्टिकल एनालिसिस को हम आगे जा डिटेल में देखेंगे और उसको बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे और स्टेप स्टेप सिक्स जो है उसमें हम जो है बताते हैं कि हमारे मेथडोलॉजी क्या थी उसको हम डाइन डाउन करते हैं और हमारी फाइंडिंग्स क्या यानी हम रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं और ये फाइंडिंग्स हम लोगों के साथ शेयर करते हैं इन शेप ऑफ आ जर्नल पेपर और अ कॉन्फ्रेंस पेपर और इन शेप ऑफ आ थीसिस विद अदर्स के उसके ऊपर जो है एक फीडबैक आ